नमस्कार। कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी पाठ आठ स्वच्छता। भैया बहनों, आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। आज मैं आपको जो एक कहानी के रूप में स्वच्छता के विषय में बताने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। आज 2 अक्टूबर है, सभी भैया बहन अपने पूर्ण वेश में विद्यालय पहुंच रहे हैं। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि आज जैसे हम नए शहर में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्वच्छता सुंदरता देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम अपने ज़िला मुरादाबाद में नहीं, किसी नए शहर में वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। बच्चे विद्यालय में आए और आने के बाद जो है वहाँ पर उन्होंने विद्यालय की स्वच्छता को देखा। बच्चों के खड़े होने के लिए प्रांगण में गोले बने हुए थे और सीधी लाइन में, जिससे कि बच्चे जो है विधिवत अपने अपने गोले में खड़े होंगे और पंक्तियाँ बिल्कुल सीधी हों। घंटी बजती है, सभी बच्चे जो है पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी NCC के बच्चों के साथ मुख्य अतिथि को विद्यालय में लाते हैं और लाने के बाद जो है वो प्रांगण में लाते हैं, जहाँ ध्वज मंडल लगा हुआ था, और ध्वज मंडल के पास लाकर जो है ध्वज फहराया जाता है। तालियां बजाई जाती हैं और तालियां बजाने के बाद जो है ध्वज प्रणाम होता है, फिर राष्ट्रगान शुरू होता है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी सभी को बैठने के लिए कहते हैं और सभी लोग जो है फिर थोड़ी देर बाद प्रधानाचार्य जो है उस कार्यक्रम के विषय में बताते हैं। पहले मुख्य अतिथियों का जो है परिचय कराते हैं और उसके बाद 2 अक्टूबर के विषय में बताते हैं कि वो विशेष रूप से जो है स्वच्छता पर जोर देते हैं और कहते हैं कि देखो, ये जो 2 अक्टूबर है, ये 2 महापुरुषों की जयंती है। पहले हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हैं हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर प्रधानाचार्य बताते हैं कि 2 अक्टूबर स्वच्छता पर विशेष आह्वान करता है कि अधिक से अधिक जगह स्वच्छ हो। आप जानते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है और हमें मानना भी चाहिए, इसे हमें आदत में लाना चाहिए। यदि हम स्वच्छ होंगे तो हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, आसपास का जो वातावरण है वो यदि स्वच्छ है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। जो लोग कई कई दिन तक नहीं नहाते हैं, गंदे रहते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं और गंदगी आसपास गंदगी होने से वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया फैल जाते हैं, वायरस हो जाता है, फंगस हो जाती है, यानी कि फफूंदी जम जाती है सीलन के कारण। तो उससे नए नए बैक्टीरिया जो है, नए नए मतलब बीमारियों के फैलने वाले जो संक्रामक रोग होते हैं वो उस गंदगी के कारण से फैल जाते हैं। आगे वो जो है अपने इस चीज़ की मतलब स्वच्छता के विषय में बताते हैं और उसी पर जोर देते हैं। बच्चे जो वहाँ प्रांगण होता है उसका विशेष ध्यान रखते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से वो बालक ये इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देकर अपने घर की और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं और प्रधानाचार्य बच्चों से को संकल्प दिलाते हैं कि हम अपने विद्यालय को, अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। इस प्रकार से वो बालक जो है
वो संकल्प लेते हैं कि हम अपना देश, अपना राज्य, अपना जो भी आसपास का वातावरण है उसको स्वच्छ बनाएंगे और अपनी धरती माता को भी स्वच्छ बनाएंगे। इस प्रकार से बच्चे जो है मिठाई लेकर पंक्ति से अपने घर को निकलते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो जो है जो वहाँ मिष्ठान और फल वगैरह मिलते हैं, केले के छिलके जो है और दोनों, वो विशेष रूप से डस्टबिन में डाल देते हैं। उसके बाद अपने खाते हुए अपने घर जाते हैं और रास्ते में वो अपने एक योजना बनाते हैं कि हमारे घर के आसपास जो पार्क है वो बहुत गंदा है, हम उसे साफ सुथरा बनाएंगे। बच्चों अपने में आपस में संपर्क करते हैं और अगले दिन प्रातःकाल सुबह 7 बजे वो बालक अपने उस पार्क में पहुंच जाते हैं और वहाँ की वो साफ सफाई करते हैं। उनको देख कर जो आसपास के लोग थे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भी जो है फावड़ा और परात लेकर जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ बालक झाड़, जो वहाँ पर घास उस खड़ी थी, झाड़ी खड़ी थी, उसमें जो है वो आग लगाते हैं और उसका जो भी कूड़ा वगैरह होता है उसे वो डस्टबिन में डाल देते हैं। वहाँ के उनकी साफ सफाई को देखकर जो है वहाँ के जो लोग और भी लोग जो होते हैं वो भी जुड़ते हैं और वो जो है पेड़ पौधे लगाते हैं। पेड़ पौधे लगाने से वो जो पार्क था वो बहुत सुंदर हो गया और उसकी सुंदरता को देखकर उन्होंने लोगों ने आह्वान किया कि हम इस पार्क को एक आदर्श पार्क बनाएंगे। अब मन में ये संकल्प लेकर वो बालक अपने अपने घर को जाते हैं। अगले दिन फिर जब वो विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में आने के बाद प्रधानाचार्य जी को वो अपने रास्ते की बात बताते हैं और पार्क की बात बताते हैं तो प्रधानाचार्य जी खुश होते हैं और उन बच्चों को विद्यालय में वंदना स्थल पर आगे बुलवाते हैं और उन्हें शाबाशी देते हैं, उनकी कमर जो है थपथपाते हैं। उसके बाद उन्हें इनाम देने की घोषणा होती है, उन बच्चों को इनाम दिया जाता है और इनाम पाकर वो बालक अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं और कुछ बड़े लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि भाई धन्य हों ऐसे माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, ऐसे संस्कार दिए हैं, धन्य हो ये विद्यालय जिसके माध्यम से आपने आपके अंदर जो है ये गुण आए। और तभी उन्होंने जो है बच्चों ने संकल्प लिया कि हम अपने देश को, अपने विद्यालय को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने घर को साफ सुथरा बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद ये कुछ शब्दार्थ हैं। प्रांगण, प्रांगण कहते हैं छोटा मैदान। संकल्प, संकल्प दृढ़ निश्चय। वरिष्ठतम जो उम्र में हमसे बड़े हों, आह्वान पुकार, क्रिया, क्रिया कहते हैं काम को, वायरस सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवाणु, जो बीमारी पैदा करते हैं।
फंगस फफूंदी संक्रमित रोग, संक्रमित रोग छूने से वाली बीमारी नियमित रोज गौरवान्वित अत्यंत बड़ा सम्मान ये हुए आपके सदर्थ प्रांगण छोटा मैदान संकल्प दृढ़ निश्चय वरिष्ठतम जो उम्र में हमसे बड़े हों आह्वान पुकार क्रिया काम वायरस सूक्ष्म जीवाणु जो बीमारी पैदा करते हैं फंगस फफूंदी संक्रमित रोग छूने से होने वाली बीमारी नियमित रोज गौरवान्वित अत्यंत बड़ा सम्मान। अब इसके साथ ही साथ ये हैं ब्लॉमसग गंदगी सफाई प्रशंसा बुराई समक्ष असमक्ष स्वर्ग नरक स्वस्थ अस्वस्थ बेईमान ईमानदार सभ्य असभ्य भैया बहनों ये विलोम शब्द हुए ये शब्दार्थ हुए और इनके इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।